बच्चा चोरी के मैटर में आया एक नया मोड़। क्या बच्चों को लेकर हो रही है कोई गंदी राजनीति? हिंदू एरिए में मुस्लिम महिलाएं बुरके वाली पकड़े जा रही है तो मुस्लिम एरिए में हिंदू महिलाएं पकड़ी जा रही है। क्या ये कोई साजिश है? क्या ये फेक वीडियो है? क्या है पूरा मामला? क्या नागपुर में हिंदू मुसलमान के दंगे कराने के लिए कोई साजिश रची जा रही है? बच्चे चोरी के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। NNTV ने जब भी एक न्यूज़ शाया की थी, इस बच्चे की वीडियो हमने आपको दिखाए थे और इस बच्चे ने दावा किया था कि उसे किडनैप किया गया है और हमने करते हैं और आखिर जिसका डर था वही हुआ। अब ये बच्चा मुकर रहा है और ये बच्चा कह रहा है कि मेरे साथ कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी, मैंने झूठ बात बताई थी आम जनता को। अब जब ये बच्चा आम जनता को झूठ बात बताएगा तो इस बच्चे का यकीन तो आम जनता करेंगी कि इसका किडनैप हुआ था और ये कह रहा था कि बुरके वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है कि जो नॉन मुस्लिम है वो खौरेंगे, उसके बाद बुरके वालों पर लगातार हमले बढ़ेंगे। क्या ये हिंदू मुसलमान करने की कोई गंदी साजिश रची जा रही है? आप अपने एरिए में अवेयर हो जाइए और इस साजिश का आप लोग शिकार ना हो, ऐसी तैयारी आप लोगों की पूरी कर लीजिए। इस बच्चे का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा संभल के वॉइस को सुनिए और मैटर को समझने की कोशिश कीजिए। किसके डर के वजह से किया था? अच्छा, बर्नी का ढक्कन गिर गया था इसलिए झूठ बोलती है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा था नहीं ना बुध, कोई आया बहन में लेके गया आपको सामने से जो वीडियो बनवाया वायरल हो गया आपका, ये पूरा ऐसा वैसा बराबर है, ये गलत है, ये गलत है कि सही है? गलत है ना कि ऐसा आपको मतलब लेके गए उठाए वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है ना पक्का? मैं वेस्ट नागपुर MIM से किसी मोहम्मद अफर सोलंकी बोल रहा हूँ। ये हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब है, उन्होंने केस की करीब 4-5 घंटा तफ्तीश करे है, इसमें पूरा ये फेक निकला है, बच्चा डर गया था इसलिए इसने बहाना बनाया था और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है। लिहाजा आप कोई भी डर का माहौल और अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप लोगों से सब आपको गुजारिश है। थैंक यू।